वेट 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 वेट, ये हम क्यों प्ले कर रहे हैं? क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने वाले हैं जो आपके गिटार प्लेइंग को और भी अमेजिंग बना देता है जी। अगर आप भी बोर हो चुके हैं वो डाउन अप वाले स्ट्रमिंग पैटर्न से, तो आप ये वैसे जैसे मैंने प्ले करके आपको दिखाया, ऐसे से भी आप कुछ पैटर्न प्ले कर सकते हैं गिटार के ऊपर अगर आपने सिंगिंग वगैरह करनी है। तो जानेंगे ये पैटर्न्स के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे क्यों ये मैं आपको सिखा रहा हूँ और कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, बट वो हम वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताते रहूँगा। उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा। तो जो मैंने पैटर्न प्ले किया है, इसमें मैंने दो टाइप के पैटर्न चूज़ किए हैं, पिक किए हैं। फर्स्ट जो पैटर्न है वो है चकिंग पैटर्न, एंड सेकेंड जो पैटर्न है वो है प्लकिंग। नाम सेम है बट प्ले करने का जो स्टाइल है दोनों का वो डिफरेंट है और अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। जैसे हमारा चकिंग पैटर्न है वो आपके स्ट्रमिंग के साथ यूज़ होता है नॉर्मल, जैसे आपने स्ट्रमिंग सुनी होगी डाउन डाउन अप अप डाउन अप, और उसी के बीच में कुछ मॉडिफिकेशन करके आप चकिंग को यूज़ कर सकते हो ताकि वो एक अच्छी साउंड करे, थोड़ा इम्प्रेसिव लगे। तो चकिंग वहाँ पे यूज़ होती है, मतलब आपके साउंड सॉन्ग के साथ साथ वो चलता रहेगा रिदम के साथ साथ। बट जो प्लकिंग होता है नॉर्मली वो यूज़ होता है जब आपके सॉन्ग की इंट्रो हो या आपने कुछ अनप्लग प्ले करना हो, जैसे आपने सुना होगा कॉन्सर्ट वगैरह में, तो ये वहाँ पे प्ले होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं चकिंग पैटर्न के बारे में। चकिंग बेसिकली एक साउंड है जो कि ऐसे सुनाई देती है। ये साउंड आती है जब हम स्ट्राइक करते हैं हमारे राइट हैंड से, कहाँ पे? हमारे स्ट्रिंग्स के ऊपर। अब आप पूछोगे कि हम क्यों स्ट्राइक करें। अब सपोज करो मैं आपको एक स्ट्रमिंग आपको प्ले करके बता दूं, पहले डाउन डाउन अप अप डाउन अप, तो वो कैसे प्ले होगी? डाउन डाउन अप अप डाउन अप। अब इसमें ही मैं अगर मैं चकिंग पैटर्न प्ले कर लूं तो कैसे होगा? डाउन चक डाउन अप चक, है ना? तो थोड़ा डिफरेंट साउंड कर देता है ये, थोड़ा इंप्रेसिव लगता है, सुनने वाले को भी लगता है हाँ यार कुछ अच्छी चीज़ प्ले कर रहा है। तो आज इसी चीज़ के बारे में हम सीखेंगे। तो चकिंग आप दो या तीन तरीके से आप प्ले कर सकते हो। कुछ लोग थंब से यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं आपको अभी प्ले करके दिखा रहा हूँ, कुछ लोग पाम के साथ इसको प्ले करते हैं, या कुछ लोग इसको फिंगर्स के साथ यहाँ पे टैप करके इसको प्ले करते हैं। डिपेंड करता है आप स्ट्रमिंग कैसे करते हैं, आप प्लेक्टम से प्ले करते हैं या आप अपने हाथ से प्ले करते हैं। तो मैं जैसे हाथ से प्ले कर रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको थंब से ही कर सकता हूँ या मैं इसको फिंगर्स के साथ कर सकता हूँ। पाम अगर मैं खोलूँगा तो उसके लिए फिर मेरा थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कि अगली जो मेरे को स्ट्रोक है वो लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? तो जैसे सपोज करो हमने डाउन स्ट्रोक ली, तो इस पे हमने चक यूज़ किया जैसे, तो आपकी भी प्रॉपर ये वाली साउंड आनी चाहिए। आपकी प्रॉपर इसमें ऐसी कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई स्ट्रिंग नहीं प्ले होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर म्यूटिंग साउंड आनी चाहिए। एक तो आपकी सारी स्ट्रिंग्स म्यूट होनी हो जानी चाहिए, जैसे ई माइनर, तो साउंड टोटली खत्म। ठीक है, और आपको मैं एक स्ट्रमिंग पैटर्न भी सिखाऊंगा उसके एग्जांपल के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया आज हम सीखेंगे डाउन चक डाउन अप चक, तो वो कैसे प्ले करना है। आपको एक नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न ले लेना, और आपको ये खुद से भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आपको लेसन बाय लेसन मैं आपको आगे आगे समझाता रहूँगा, बट अभी मेन हमें सीखना है बेसिक्स। तो डाउन, हमने एक डाउन स्ट्रोक ले ली, आप चाहे प्लेक्ट्रम से ले लें डाउन चक, आप पाम के साथ ऐसे म्यूट कर सकते हैं, ऐसे आपने प्लेक्ट्रम पकड़ी होती है और आप इस चीज़ को यहाँ पे स्ट्राइक करके अपना साउंड को म्यूट कर सकते हैं। तो डाउन चक डाउन, कैसे? डाउन एक स्ट्रोक ले ली, देन चक, देन डाउन। अगर आप हाथ से प्ले कर रहे हैं तो डाउन चक, ऐसे आप प्ले कर सकते हैं आप थंब से, डाउन चक, देन डाउन, फिर उसके बाद अप चक, कैसे? डाउन चक डाउन अप चक, डाउन चेक डाउन अप चेक। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आगे जैसे जैसे हम लेसन्स बनाते जाएंगे, सॉन्ग सीखते जाएंगे या और भी सारी चीज़ें सीखेंगे, तो ये वहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। तो आपको तब को ये ना लगे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो पहले हम बेसिक्स थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? तो कैसे आपने प्ले किया? डाउन चक डाउन अप चक, डाउन चक डाउन अप चक। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ऐसे प्रैक्टिस करते पर कर सकते हैं, जैसे चक लिया, देन आपने डाउन स्ट्रोक, देन चक, देन डाउन, देन चक, देन डाउन,
फिर आपने अल्टरनेट चक अब चक अब चक अब चक अब, ठीक है। तो वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर हम उसी जगह बात करें हमारे पैटर्न नंबर सेकंड के बारे में, तो सेकंड जो पैटर्न है वो हमारा प्लकिंग पैटर्न है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो प्लकिंग पैटर्न होता है वो यूज़ होता है हमारा सॉन्ग्स के इंट्रो पे, मतलब 80-90% हमारे सॉन्ग्स के इंट्रो में ही यूज़ होता है ये। बाकी अगर आपने फुल सॉन्ग भी ऐसे पैटर्न पे प्ले करना हो तो वो भी अच्छा लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी फिंगर्स यूज़ होती हैं। जैसे इसमें आपकी फिंगर्स नहीं यूज होती, इसमें आपकी प्रॉपर एक एक फिंगर यूज़ होगी। वो पैटर्न पर डिपेंड करता है आप कौन सा पैटर्न प्ले कर रहे हो। इसमें आपने एक चीज़ और भी देखी होगी या सुनी होगी, फिंगर स्टाइल। तो वो सारी चीज़ें एडवांस लेवल की हैं, तो उन सब चीज़ों पे भी हम आएंगे, बट ये बेसिक्स है, ये बेस है उन सब चीज़ों का। तो हम सीखेंगे अब जो प्लकिंग पैटर्न होता है, जो मेन नॉर्मली क्या हो गया, आपकी स्ट्रिंग्स को पुल करना, मतलब प्लक करना, जैसे जो हम नॉर्मली भी करते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना। बट इसमें एक रूल होता है, रूल या आप प्रैक्टिस करने का तरीका बोलो, जो आपको इजी बना देगा आपकी लर्निंग्स को। अब इसमें क्या होता है, मैंने जो लास्ट नीचे की तीन स्ट्रिंग्स हैं, जो है ई बी एन जी, ठीक है, ई बी एन जी जो स्ट्रिंग है, इसको मैंने सिर्फ प्ले करना है हमारी रिंग, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर। प्ले करना मीन्स आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे, वो आपने प्रैक्टिस करना है, आपका जो हाथ रहेगा वो इस पोजिशन में रहेगा, लाइक आप अपना थंब यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, और आपको ये ऐसी शेप बना लेनी है। अब ऐसी शेप बनाएंगे तो आपका थंब जब ऊपर आ जाएगा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है रिंग के साथ, फर्स्ट स्ट्रिंग को, ई स्ट्रिंग को, मिडिल के साथ आपकी बी स्ट्रिंग को, और रिंग के साथ, ओ सॉरी, इंडेक्स के साथ आपकी जी स्ट्रिंग को। तो कैसे, 1 2 3, देन अगेन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और आपकी जो थंब यूज़ होगा वो यूज़ होगा आपकी ऊपर वाली तीन स्ट्रिंग्स पे, ठीक है। वो कैसे होगा, जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब आपको इसको साथ में प्रैक्टिस करना है, जैसे ऊपर और नीचे, मतलब आपको 6 1 5 2 4 एंड 3, कैसे, 6 1 5 2, 2 आपने लेनी है इंडेक्स के साथ, ये आप याद रखना। सिंगल सेम फिंगर आप मत यूज़ करिएगा, थंब आपने सेम रखना है तीनों ऊपर वाली स्ट्रिंग्स पे। अब आपकी डी एंड ए एंड आपकी जो ई स्ट्रिंग रहेगी बेस नोट वाली, वो उस पर आपने तीनों फिंगर्स, तीनों स्ट्रिंग्स पे आपने थंब यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, 6 1 5 2, देन आपका 4th 3, तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करना है। और आपने ट्राई करना है इसको, मतलब लाइक जितना हो फास्ट आप प्ले कर सकें, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल वाइज आपको बताता हूं, एक पैटर्न आपको सिखा देता हूं कि आपकी प्लकिंग कैसे हो सकती है। तो ये वाला पैटर्न आज हम सीखेंगे, बट इसके लिए आपको जो मैंने आपको अभी सिखाया वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने जैसे आपको बताया रिंग के साथ आपकी इंडेक्स, सॉरी ई स्ट्रिंग आ गई, मिडल के साथ बी स्ट्रिंग एंड इंडेक्स के साथ आपकी जी स्ट्रिंग। बट यहाँ पे मेरे को अलग अलग प्ले नहीं करनी है, यहाँ पे मेरे को तीन फिंगर्स को एक साथ जोड़ लेना है और वहाँ पे रख देना है मैंने तीनों स्ट्रिंग्स के ऊपर। मतलब मेरी रिंग फिंगर के ऊपर आ रही है ई स्ट्रिंग, मिडल फिंगर के आ रही है मेरे ऊपर बी स्ट्रिंग, देन इंडेक्स फिंगर के ऊपर आ रही है मेरी जी स्ट्रिंग। तो इनको मैंने एक साथ प्लग करना है, देखो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये टफ है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको 10 से 15 मिनट के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि ये इतना टफ भी नहीं है जितना आप सोच रहे थे। तो आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी, जैसे मैंने आपको बताया शेप आपने ले लेनी है एक बार पाम की, ठीक है, या आप थंब रख सकते हो 6th के ऊपर, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपने ये ऐसे से प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आपने प्लग करने की प्रैक्टिस करनी है हार्डली 15 से 20 मिनट के लिए। तो ऐसे से आपने प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये ट्राई करना कि आपकी एक्यूरेट
एक्यूरेटली आपकी जो फिंगर्स हैं वो उसी जगह पे प्लेस हो रही है जहाँ पे आपको करना है, मतलब रिंग ई के नीचे आपकी रिंग आनी चाहिए, बी के नीचे आपकी मिडल आनी चाहिए एंड जी के नीचे आपकी इंडेक्स आनी चाहिए। थोड़ा स्टार्टिंग में आप देख देख के करोगे बट एकदम से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप आधा एक घंटा प्ले कर लेंगे। उसके बाद हमें प्लग पैटर्न प्ले करना है, जैसे फाइव आपने, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से आप कोई भी कॉर्ड पकड़ लें, ठीक है, एक्स वाई जेड, जैसे भी आपने जो भी अभी तक सीखे हैं। तो मैं कॉर्ड्स को अभी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि आप यहाँ से आपने प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग को, ठीक है। अब आपने मतलब आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सिक्स देन ये देन फाइव देन ये देन फोर ये सिक्स ये फाइव ए फोर ये। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कॉर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको एक बेस नोट लेना पड़ता है, मतलब आपको सारी स्ट्रिंग्स नहीं प्ले करनी होती हैं। जैसे एग्जांपल वाइज आपको मैं डी मेजर दिखाऊँ, डी मेजर में आपको ये छः की छः स्ट्रिंग्स नहीं प्ले करनी है, आपको सिर्फ ये चार स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। तो आपका थंब क्या प्ले करेगा, आपकी जो आएगी ये फोर स्ट्रिंग आएगी, तो आपने फोर स्ट्रिंग को थंब से प्ले करना है और आपकी जो नीचे वाली तीन स्ट्रिंग्स हैं वो आपकी आ जाएंगी ये पैटर्न। और अगर मैं आपको और कोई कॉर्ड की एग्जांपल दूं, जैसे ई माइनर हो गया, तो ई माइनर में हम फिफ्थ प्ले करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये प्लकिंग पैटर्न है, आपको जस्ट इसको प्रैक्टिस करना है, कुछ भी इस पे आपको ट्राई नहीं करना है, कोई कॉर्ड आपको नहीं सीख के इस पे ट्राई करना है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है और आपको देखना है हमारा नेक्स्ट वाला लेसन। नेक्स्ट वाले लेसन को हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कुछ नए सॉन्ग्स और नए कॉर्ड्स जो इसके साथ प्ले होते हैं। और अगर आपको इस लेसन के रिगार्डिंग कोई भी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका माइंड में, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी टीम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेसन आई होपफुली आपको पसंद आया होगा काफ़ी और आपने कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखा भी होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग लेसन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रंट रो के और प्रेस कर ले बेल आइकन को, और हर हफ्ते मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आता हूँ। तब के लिए धन्यवाद।